हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से न्यू मून के बारे में। जुलाई का न्यू मून पड़ रहा है एंड ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग न्यू मून पड़ रहा है। इस बार का न्यू मून जो है वो पड़ रहा है लियो में एंड लियो जो है इट्स कनेक्टेड टू सन एनर्जी। एंड एक और चीज़, थर्सडे के दिन ये पड़ रहा है। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें, सपोज वन पर्सन अगर आप यूनिवर्स स्पेसिफिक डे में नहीं कर पाते हैं, आप इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रिचुअल्स कर सकते हैं, स्टिल आपके काम डेफिनेटली होंगे। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई करी है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ यहाँ पे आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि सन एनर्जी है एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस न्यू मून बिकॉज मैं ऑलरेडी वन हूँ। 1 मार्च को मैं बॉर्न हूँ, तो यानी कि फर्स्ट मेरा जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ फर्स्ट नंबर। एंड आप में से जितने भी लोग हो जो सन से कनेक्टेड हो बाय यू नो जोडियक साइंस, या फिर आपका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 1 आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली 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 इस टाइम पे अपने रिचुअल्स करने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप यू नो करियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सक्सेस, नेम, फेम, मनी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप इस टाइम पे अपने इंटेंशन को यूनिवर्स को बता सकते हो बिकॉज ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड डेफिनेटली मैं इसको पर्सनली भी यूज़ करूँगी अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप भी इसे यूटिलाइज करें, आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने कहा है कि इस बार का न्यू मून है। न्यू मून इज वॉट, नई बिगनिंग, नई शुरुआत। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा है कि लियो की एनर्जी है प्लस सन की एनर्जी है। सन इज व्हाट, फेम, सक्सेस, मनी, अट्रैक्शन पावर, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। एट द सेम टाइम आप लीड करते हो, जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, करियर मैनिफेस्ट करना हो, अगर आप अपने करियर में कुछ भी नई बिगनिंग करना चाहते हो, नया बिजनेस आप करना चाहते हो, कुछ भी, एनी सिंगल थिंग रिलेटेड टू न्यू, रिलेटेड टू यू नो करियर, फिनेंसिस, तो आप डेफिनेटली इस टाइम पे कर सकते हो। इन शॉर्ट आप इनमें से कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एज अ न्यू बिगनिंग, तो आप डेफिनेटली इस टाइम पे अपने इंटेंशन को यूनिवर्स को बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं लियो एनर्जी की। लियो एनर्जी इज वॉट, स्पीडिंग अप थिंग्स, बोल्ड, करेजियस, एक्शन टेकर, पूरा फायरी एनर्जी है, राइट। अगर आप ऑलरेडी फायर एनर्जी हो तो आपको हो सकता है थोड़े से एंगर इश्यूज आप एक्सपीरियंस करो, ईगो क्लैशेस यू नो हो सकते हैं, आप शायद हो सके किसी को कुछ बहुत हार्श वर्ड्स बोल दें, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड प्लीज डू मेडिटेट एंड बैलेंस योर सेल्फ। इफ यू आर इन टू रेकी देन प्लीज रेकी इस टाइम पे जरूर करें अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फायरी एनर्जी है, ऑब्वियसली बात है गुस्सा आएगा, एक्शंस लेंगे। एंड एक और चीज आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप यू नो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इस टाइम पे, शॉपिंग कर ली बिना कुछ सोचे समझे, क्या इसका रिक्वायरमेंट है ना, बस लाइक एक्शन लेना है इन शॉर्ट। तो डेफिनेटली आप ये चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने साथ में, अपने आसपास के लोगों में भी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप चीज करते हो, जो भी एक्शन आप लेते हो, सोच समझ के आपने एक्शन लेना है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ट्राई करो किसी को हार्श वर्ड्स ना बोलो, स्पेशली अपने पार्टनर को हार्श वर्ड्स ना बोलो। ट्राई टू मेडिटेट, अपने माइंड को शांत रखो, वो चीज टाइम पे बेटर होगी। तो जैसे कि मैंने कहा है कि बोल्डनेस है इस एनर्जी में, करेजियस, बोल्ड, राइट। अगर आप उनमें से हो जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी लाइफ में, अपनी बात को अगले पर्सन तक नहीं रखते, कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, इन दैट केस प्लीज आप इस टाइम पे काम करें, अपने आप को यू नो कॉन्फिडेंट बनाएं। अगर आप ऐसी किसी जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर यू नो जहाँ पे लीड किया जाता है लोगों को, इन दैट केस एज वेल आप इस टाइम पे स्पेल वर्क अपनी इंटेंशन को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि जो एनर्जी है वो कनेक्टेड है सन से, सन जो है बेसिकली रिलेटेड है गवर्नमेंट से भी। अगर आप यू नो अपना करियर जो है कुछ भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हो, इन दैट केस आप इस टाइम पर अपने इंटेंशन को सेट कर सकते हो। स्पेशली आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, या फिर आप अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हो, तब भी आप इस टाइम पे स्पेल वर्क कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओवरऑल अगर इट्स नॉट इवन गवर्नमेंट अगर नहीं है आपका ऐसा कुछ गोल, आप अगर नॉर्मल जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन दैट केस एज वेल आप स्पेल वर्क कर सकते हो। आपका कोई भी एग्जाम है, आप उसमें सक्सेस चाहते हो, इन शॉर्ट आप डेफिनेटली इस टाइम पे स्पेल वर्क कर सकते हो। अब जो दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है थर्सडे, थर्सडे का दिन है। थर्सडे इज व्हाट, मनी, बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ। तो अगर आप यू नो अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस टाइम पे रिचुअल्स कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो भी बिजनेस है करंटली, आप जिस भी बिजनेस में है उसकी शुरुआत हो, अगर बिजनेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो वो ग्रो करें, इन दैट केस एज वेल आप इस टाइम पे स्पेल वर्क या रिचुअल्स कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप बहुत टाइम से किसी जॉब में हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में या नॉर्मल जॉब में हो, किसी में
भी हो, आप चाहते हो आपकी ग्रोथ हो, आपका प्रमोशन, आपका सैलरी हाइक हो, तो आप इस टाइम पे अपने इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप उनमें से हैं जो यू नो नेम फेम सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप यू नो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएं, कॉन्फिडेंट के साथ आप अपनी बातों को सामने रखें, इन दैट केस एज वेल आप अपने इस टाइम पे इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपका कोई काम ऐसा है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जो बहुत टाइम से फंसा हुआ है, कुछ पेपर वर्क है, कुछ भी है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, बहुत डिले हो रहा है, तो आप इस टाइम पे अपनी विश इससे रिलेटेड मांग सकते हैं, वो डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। एंड एक चीज़ और, अगर सी बेसिकली ये जो फायरी एनर्जी है स्पीडिंग अप थिंग्स, जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस की लिस्ट है उसको लेके बैठ जाओ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी आप इस टाइम पर स्पेल वर्क कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या जो मैंने बातें बताई हैं करियर या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या आप इससे ही रिलेटेड स्पेल वर्क कर सकते हो? ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो जी, अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड स्पेल वर्क करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एनर्जीज वही बन रही हैं, राइट? सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, थर्सडे पड़ रहा है, फिर न्यू मून की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स है। अगर आप इस टाइम पे इनसे रिलेटेड स्पेल वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप यू नो कुछ और स्पेल वर्क नहीं कर सकते, कुछ और रिचुअल्स आप नहीं कर सकते हो, या फिर आप में से हो सकता है काफ़ी ऐसे लोग हों जो नॉर्मल मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, जो इन सब में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्या वो नॉर्मल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? क्या वो लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप की इंटेंशन रख सकते हो, बट अगर आपका स्पेसिफिकली इनसे रिलेटेड कोई गोल है जो मैंने आपको बताया है, आप इस टाइम पे एनर्जी लगाते हो, एनर्जी पुट करते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस सिंपल सी बात इतनी है। अब बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। पहली चीज तो एक रिचुअल जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में रेकमेंड करती रहूंगी, जो कि कभी फेल नहीं होता है, पहली चीज बेलीफ रिचुअल। तेज पत्ता लेना है, आपने तेज पत्ता लेके उस पर अपना नाम लिखना है, अपना DOB लिखना है, जो भी आपका रियल एग्जैक्ट DOB है, जो भी आपकी विश है आपने उस पर लिखनी है। बेलीफ को अपने दोनों पाम में होल्ड करके आपने मेडिटेट करना है, विजुलाइज करना है अपनी विश को जैसे कि वो हो रही है, पूरी एनर्जी उसमें अच्छे से लगानी है, विजुलाइजेशन करनी है, इमोशंस फील करने जैसे कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद उस तेज पत्ते को या फिर उस बेलीफ को आपने बर्न कर देना है। That's it. ये सिंपल सा रिचुअल है, इट विल हार्डली टेक योर 2 to 3 minutes, दैट इज इट। आप ये करके भी लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि मैंने कहा है कि स्पीडिंग अप चीजों के लिए, जल्दी आप चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इस टाइम पे डेफिनेटली काम कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने पेपर लेना है, प्लेन पेपर हो, उसमें लाइन्स ना हो, नो रूल्ड पेपर, हम अपनी एनर्जीज क्लटर नहीं करनी है। उसके बाद आपने रेड पेन से, रेड या फिर ग्रीन या फिर ब्लू, ब्लू एक लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास रेड या ग्रीन नहीं है तो आपने ब्लू पेन यूज करना है, बट प्लीज इफ पॉसिबल वर्क विद रेड स्पेशली इन दिस एनर्जी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रेड पेन से जो भी आपकी विश है आपने उसको लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, जो भी आपकी XYZ विश है, या फिर मेरी इसमें जॉब लग चुकी है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। आप ऐसे अपनी विश को लिखें, उस पेपर को होल्ड करें, उसको विजुलाइज करें, विजुलाइज करते रहें करते रहें। टेक योर टाइम, ये टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस फील करें जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है। उसके बाद आपने उसको अपनी तरफ फोल्ड करना है एक बार, फिर उसको अपने राइट साइड घुमाना है, फिर अपनी तरफ फोल्ड करना है, फिर एक बार और आपने राइट साइड घुमाना है, फिर से अपनी तरफ फोल्ड करना है, यानी कि 3 बार आपने फोल्ड करना है अपने राइट में घुमाते हुए। दिस इज़ माई राइट, बट आपको कैमरे में लग रहा होगा कि दिस इज़ माई लेफ्ट, दिस इज माई राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने रेड कैंडल लेनी है, रेड कैंडल के ऊपर आपने ये जो सिजल है, ये सन सिजल है, आपने इसको ड्रॉ करना है, सिजल को उस कैंडल पे, रेड कैंडल पे कार्व करना है किसी पॉइंटेड चीज से। कार्व करते करते अपनी विश को आप सोचते रहें, माइंड में रखें, विजुलाइज करते रहें लगातार कि जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है। फील द फीलिंग्स, फील द इमोशंस। एंड एक और चीज़, जितना आप खुश होकर स्पेल को करेंगी उतनी जल्दी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कार्विंग करने के बाद आपने कैंडल को दोनों पाम्स में से पकड़ना है एंड फिर से एक बार अपनी विश को विजुलाइज करना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, पेपर को नीचे रखना है, उसके बाद उस पर कैंडल लगा देनी है। अगर पेपर स्टेबल नहीं होता है तो आपने कुछ भी, आपका जो कैंडल होल्डर है आप उसको लेके ऐसे रख दीजिए, पेपर इन शॉर्ट कैंडल के नीचे होना चाहिए। इसके बाद इसको पूरा बर्न होने दीजिए। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, इस पेपर को आपने नॉर्मल मैस्टिक्स या कैसे भी आपने बर्न कर देना है। इसकी एशेस को और जो कैंडल का लेफ्ट ओवर है, जो कैंडल का बचा हुआ है, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है।
सिंस ये एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन स्पेल है, हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, आपकी अच्छी पॉजिटिव विश है इसमें, कुछ नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, तो आप इसे अपने घर के पॉट में भी गाड़ सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एक और चीज, आप एक एफर्मेशन नॉट, मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप एफर्मेशन नॉट भी इस टाइम पे बना सकते हैं अपनी विश से रिलेटेड और उसे पहन सकते हैं। उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट करें, इट विल रियली हेल्प यू। एफर्मेशन नॉट मैजिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ इट्स यू नो पब्लिक थैंक यू आई कैन से टू डू दैट पर्टिकुलर स्पेल, बट हाँ इट डेफिनेटली वर्क्स एंड जो भी लोगों ने ट्राई किया है मुझे हमेशा उनसे पॉजिटिव फीडबैक मिला ही मिला है, सो प्लीज़ ट्राई दैट। बट एक और चीज़, आपकी वाइब्रेशंस मैटर करती हैं, आपकी इंटेंशन मैटर करती हैं, आप कितना खुश होकर हैप्पी मूड में अच्छी हाई वाइब्रेशंस के साथ आप उसे कर रहे हैं एंड कैसे आप अपनी विश को यूनिवर्स को लेट डू करें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, फालतू के नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं, करो एंड करके भूल जाओ, दैट इज इट। जो भी आपका काम है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आपने एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे, राइट? एक्शंस इक्वली जरूरी हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? डू टेक एक्शंस एंड डू इट विद ट्रस्ट एंड फेथ। जो भी आप भगवान को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स भी आप स्पेल में ले सकते हो, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हो, बट हाँ जब भी आप करोगे ट्रस्ट के साथ करना है एंड हाई वाइब्रेशंस के साथ खुश होकर उस चीज को करना है, वो चीज आपकी और जल्दी लगेगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है? सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आई होप आप इसे ट्राई करेंगे एंड आई होप आप डेफिनेटली इस न्यू मून की एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल न्यू मून है, प्लीज डोंट वेस्ट इट, ठीक है? सिर्फ आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो तक के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।